नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रिक्स एक्सपर्ट पे। मैं गौरव कुमार आज आप सभी को बताऊंगा गूगल क्रोम ब्राउजर के कुछ ऐसे हिडन, कुछ ऐसे सीक्रेट फीचर्स के बारे में जो आप सभी हो सकता है शायद नहीं जानते हो। कई ऐसे व्यूअर्स होंगे जो गूगल क्रोम को परमानेंट ब्राउजर के रूप में यूज करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में आज बताऊंगा जो शायद वो कभी यूज कर पाया हूँ, लेकिन उनके लिए ये फीचर्स यूजफुल है। तो आप चलिए मैं शुरू करता हूँ, मैं बताता हूँ वो फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहले आप अपने गूगल क्रोम ब्राउजर को यूज कर लें। गूगल क्रोम ब्राउजर को यूज करने के बाद दोस्तों आप सभी यूआरएल बार में सर्च करें CROME.dot/FLAGS। मैं स्क्रीन पे भी टाइप कर दिया हूँ, आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसे आप सर्च करेंगे तो आप सबके सामने जो विंडो ओपन है ये विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो में आप सबको दिखेगा कि गूगल क्रोम ब्राउजर पे जितना भी सारा कुछ गूगल क्रोम ब्राउजर जिसे चल रहा है, लाइटिंग, इमेज, ऑडियो, वीडियो, स्क्रॉल डाउन, ये वो जितना सारा ऑप्शन है, जितने कमांडिंग यहाँ पे किए गए हैं, उस सब का डिटेल, उस सब के ऑप्शंस, एक तरह से सेटिंग्स आप कह सकते हैं यहाँ पे है। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में एक और बात लिखा हुआ है, मैं आपको ऊपर करके दिखा दे रहा हूँ कि केयरफुल दीज एक्सपेरिमेंट्स मे बाइट। तो आपको हर किसी ऑप्शन पे छेड़खानी नहीं करनी है। हो सकता है कि आपके गूगल क्रोम ब्राउजर को फिर स्टार्ट होने ना दे, तो फिर से आपको क्या करना होगा, रिसेट करना पड़ेगा यहाँ से, या तो फिर इस ब्राउजर को आपको इंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करना होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या क्या यहाँ पे है। यहाँ से आप हर वो चीज़ को यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, हर वो चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं जो आपके गूगल क्रोम ब्राउजर पर नहीं हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं डिस्प्ले लिस्ट 2D कैनवास को आप यहाँ पर डिफॉल्ट में किया हुआ, आप चाहे तो यहाँ से इनेबल डिजेबल कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको और नीचे कई सारे ऑप्शन, आपको सारा कुछ यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर आपका ऑडियो वीडियो आपको दिखाना है कि नहीं दिखाना, आपका ब्राउजर कैसा चलेगा, तो आप इस ऑप्शन के थ्रू आप ये सब यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो सीक्रेट फीचर है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप अपने गूगल क्रोम ब्राउजर पर कुछ भी मान लीजिए कभी कुछ चलाएं, कभी YouTube पे कुछ चला दिए, या फिर कहीं ऐसा कोई वीडियो या कोई MP3 बजा दिए, प्ले कर दिए, लेकिन आपको तुरंत बंद करना है, तो उसे बंद करने का एक ट्रिक यहाँ पे यह है कि आप डायरेक्ट वहाँ पे जो आपको टैब खुला हुआ उस टैब पर राइट क्लिक करेंगे, वहां से आपको यहाँ पे म्यूट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप म्यूट कर दें तो ये म्यूट हो गया है। अब आपका जो भी इसमें टैब पे चलेगा या फिर क्रोम ब्राउजर पे चलेगा वो नहीं बचेगा। तो आप उसे फिर अनम्यूट करने का दो ऑप्शन है यहाँ पे, आपको अब वहीं पे आपको आपके टैब पे दिख रहा होगा एक आ गया होगा अनम्यूट अनम्यूट का ऑप्शन, उस पर आप क्लिक कर देंगे राइट क्लिक जाके, तो फिर आप यहाँ से अनम्यूट कर सकते हैं। तो ये फीचर का भी आप यूज कर सकते हैं। तीसरा जो फीचर है दोस्तों वो ये फीचर ही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा मस्ती करने वाला है। जब हमारा इंटरनेट कनेक्शन टूट जाता है, जब हमारा इंटरनेट कनेक्शन बंद हो जाता है, तब गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं तो उस वक्त क्या होता है, एक गेम आता है, जो गेम आप सबके सामने है, टी रैक्स गेम। तो इस गेम को आप इंटरनेट कनेक्शन रहने के बावजूद भी खेल सकते हैं, अगर आप ये गेम आपको पसंद है तो भी आप खेल सकते हैं। तो इस गेम को खेलने के लिए आपको क्या करना होगा, आपके आपके गूगल क्रोम ब्राउजर पर जाके आपके टाइट आपके जो URL बार है उस पर आपको स्क्रीन पर जो दिया हुआ है chrome.network-error/106, इसे मैं लिख भी दूंगा वीडियो पे, आप वहां से उसे लिख के सर्च बार पर जाके आप इसे सर्च कर सकते हैं, यहाँ से आप गेम को प्ले कर सकते हैं। तो ये गेम कुछ लोगों को पसंद है, गेम मुझे भी पसंद है, कभी कभी खेलने में मजा आता है, ये अच्छा गेम है। तो आप यहाँ से इंटरनेट कनेक्शन होने पर भी आप इसे खेल सकते हैं। तो ये दूसरा फीचर हो गया। अब मैं आपको तीसरा फीचर के बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तों। ये एक फीचर ऐसा फीचर है, ये गूगल क्रोम का एक एक्सपेरिमेंटल फीचर है। तो इसे आप सर्च कर सकते हैं www.chromeexperiments.com। यहाँ पे आप जाके दोस्तों करेंगे क्या, यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसे गूगल अर्थ सेटेलाइट इमेज के थ्रू, जेस्चर, डबल क्लिक आदि, एक्स्ट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। करना क्या है, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे शो कर रहा है, अब कुछ भी यहाँ पे आपके साइट पे ओपन होने के बाद कुछ भी आप क्लिक करेंगे, कुछ भी कहीं भी आप सर्कल बना देंगे, कुछ बना देंगे, तो उस तरह का जो भी रोड, उस तरह का जो भी फीचर, उस तरह का जो भी मैप, जो भी जगह होगा ये पूरे अर्थ पे, तो उस जगह पे आपको लेके चला जाएगा। जैसे मैंने इस तरह खींचा, यहाँ पे आप देख ले वीडियो में, तो ये देखिए यहाँ उस तरह का रोड दिखा दिया, सर्कल किया तो सर्कल टाइप का रोड दिखा दिया। ये पहला फीचर हो गया इस साइड पे। इस साइड पे आपको और भी कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे आप यहाँ देखिए फेसेस पर पावर है, सोशलिस्ट एंड इंटरफेस फिल्म है, यहाँ वाइल्ड लाइफ फ्लावर्स आप बना सकते हैं। बड़ा ही क्रिएटिव साइट है, यहाँ पे आपको मस्ती मजा करने में, अगर रेडियो गार्डन आपको रेडियो देखना है कहाँ कहाँ क्या है, इस पे आप देख सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट पे आप यहाँ पे आर्किटेक्चर सेल फॉर्म फाइंडिंग देख सकते हैं। इस साइट पे आप गूगल के जो एक्सपेरिमेंट्स है, गूगल जो इसे लॉन्च किया है, जिसे चला रहा है,
होती है, उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं और मस्ती कर सकते हैं। अब जो मैं आपको चौथा फीचर बताने जा रहा हूँ, वो फीचर ये है दोस्तों कि आपका अगर एंड्रॉइड फोन यूजर है आप, आपका फोन कहीं गुम हो गया है, तो यो मान लें कि आपका फोन कहीं रूम में रखा है या कहीं आपके घर में रखा है लेकिन आपको मिल नहीं रहा है, तो आप क्या करते हैं दूसरे के मोबाइल से कॉल करते हैं। लेकिन आप अकेले रहते हैं और आपके पास एक ही फोन है तो आप उसे फिर पैसे पॉइंट कर सकते हैं, उसे रिंग करके। तो आपको करना क्या है, आपको अपने गूगल ब्राउजर पे जाना है, वहां पे गूगल पे जाने के बाद आपको लिखना है फाइंड योर फोन। यहाँ पे जैसे आप फाइंड योर फोन लिखेंगे, आपको यहाँ पे आपका नीचे में यहाँ पे आपका आ जाएगा आपका जो एंड्रॉइड फोन होगा जो लिंक्ड होगा। इसके लिए आपको करना ये है कि आपको सबसे पहले अपने गूगल क्रोम ब्राउजर पे उस अकाउंट से, उस जीमेल अकाउंट से लॉगिन करना जिस जीमेल अकाउंट से आपने अपने स्मार्टफोन में लॉगिन किया हुआ है। जैसे आप वहां से लॉगिन किया रहेगा तो आपको यहां पे आपका जो फोन है वो आपको यहां दिखा देगा। आपको यहां पे देखने के लिए आप यहां पे क्लिक कर सकते हैं। यहां पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे फाइंड योर फोन वाला जो पेज है इस पे भी क्लिक करके आप मेन पेज पे जा सकते हैं, वहां पे आप कई सारे फीचर्स को अवेलेबल कर सकते हैं। बाकी आप इसी पेज पे यहां पे आपको रिंग का ऑप्शन दिखेगा, आप जैसे यहां पर रिंग क्लिक करेंगे तो आपका फोन जहां भी होगा पूरे अर्थ पे कहीं भी तो वो फोन रिंग करेगा, वो फोन रिंगिंग स्टार्ट होगा। जैसा कि आप सभी को वीडियो में कुछ सुनाई पड़ रहा होगा रिंगिंग, ये मेरे फोन का रिंग है, इसे ये ऑटोमेटिकली बजने लगा है। तो इससे आप अपने फोन को ढूंढ सकते हैं कहीं भी वो होगा तो आपके आपके बिसाइड साइड में कहीं। तो इसमें आप और क्या कर सकते हैं, चलिए अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फाइंड योर फोन पे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह के पेज में आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आप कितने फोन में अभी तक इसे लॉग इन कर चुके हैं। दूसरा फिर आपको एक और इसमें दिखाएगा ओपन होगा तो आपको यहाँ पे ये दिखाएगा कि अब मान लीजिए आपको ये देखना ये फोन कहाँ है तो आप यहाँ पे आ जाएं, एंड्रॉइड डिवाइस मैनेजर ऑटोमेटिक ओपन होगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं अपने फोन को लॉक भी कर सकते हैं, अगर वो चोरी हो गया है तो इनेबल लॉक एंड इरेज पे आप क्लिक कर दें तो ये ऑटोमेटिकली आपका फोन को लॉक कर देगा। यहाँ से आप अपने फोन को ट्रेस भी कर सकते हैं, ये रहा ट्रेस लोकेशन। लेकिन इसके लिए जरूरत क्या है कि आपके फोन का जो GPS है वो ऑन होना चाहिए तो आपको ट्रेस करके बता देगा। जैसे कि मेरा फोन आप सबके सामने ट्रेस हो गया है, ये वर्धा महाराष्ट्र शो कर रहा है, ये मेरा फोन का डिटेल्स है, फोन कहाँ पे, रिंग भी मैं कर सकता हूँ। इस फीचर से आप बड़ी आसानी से अपने फोन को फाइंड कर सकते हैं गूगल क्रोम ब्राउजर पे। तो इस फीचर को आप यूज कर सकते हैं, इस फीचर से आप अपने फोन को ढूंढ सकते हैं बड़ी आसानी से। तो दोस्तों अब अगला फीचर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो फीचर ये है दोस्तों कि आपने अभी तक अपने कंप्यूटर पे टास्क मैनेजर यूज किया हुआ, लेकिन गूगल का भी अपना एक टास्क मैनेजर जहाँ से आप ये देख सकते हैं कि कौन सा आपका बैकग्राउंड में साइट है, कौन सा ऐप है जो ज्यादा डेटा खा रहा है, फिर ज्यादा चल रहा है, उसे ऑटोमेटिकली वहां से बंद कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, न्यू टैब पे जाना है। न्यू टैब पे जाने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है, ये मेनू पे क्लिक करना है। मेनू पे क्लिक करने के बाद आपको मोर टूल्स पे आना है। मोर टूल्स पे जैसे ही आप आएंगे वहाँ पे आपको यहाँ पे टास्क मैनेजर दिखेगा। ये टास्क मैनेजर को मैं थोड़ा बड़ा करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये टास्क मैनेजर में आपको सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया, कितना आपका रैम यूज हो रहा है, कितना CPU यूज हो रहा है, कितना नेटवर्क यूज हो रहा है, प्रोसेस ID, यहाँ पे आप किसी राइट क्लिक करके जाके चेक कर सकते हैं वो क्या है, कितना कहाँ से क्या हो रहा है, आप यहाँ से बंद भी कर सकते हैं उसे। तो ये आप टास्क मैनेजर, ये जो टास्क मैनेजर है गूगल क्रोम का अपना टास्क मैनेजर, यहाँ से आप अपने गूगल क्रोम ब्राउजर के सारे टास्क को देख सकते हैं। इस फीचर को आप यूज कर सकते हैं। एक और जो बेहतरीन फीचर है गूगल क्रोम पे वो ये है दोस्तों कि अगर आपका कोई वेबसाइट आपने ओपन किया हुआ, कोई टैब ओपन किया हुआ, गलती से वो बंद हो गया है तो आपको क्या करना होता है कि आपको हिस्ट्री में जाना पड़ता है, फिर बड़ा लंबा आपको करना पड़ता है। लेकिन उसके लिए मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ क्या करना है। आपका न्यू टैब का ऑप्शन ओपन है, इस पर आपको राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आपको रीओपन क्लोज टैब पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे ये पिछला जो आपका पहला पिछला जो टैब था ओपन वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। अब इससे आप मान लीजिए पिछला का पिछला मतलब लास्ट सेकंड ऐप लास्ट थर्ड वेबसाइट आपको ओपन करना है, तो उसके लिए आपको मैं शॉर्टकट की बताता हूँ। Ctrl+Shift+T आपको ये प्रेस करना है। ये आप जैसे प्रेस करेंगे आपको ये ओपन करता चला जाएगा लास्ट आपके जो भी टैब्स क्लोज हुए थे दोस्तों। तो इस तरह से आप इस फीचर का भी लाभ उठा सकते हैं अपने गूगल क्रोम ब्राउजर पे अपने पिछले टैब्स को ओपन करने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको नॉर्मली गूगल क्रोम के कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में, गूगल क्रोम को कुछ ऐसे सीक्रेट्स के बारे में बताने की कोशिश किया है कि जो शायद आप में से कुछ ऐसे होंगे जो जानते भी हैं, कुछ ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और बने रहें ट्रिक्स एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।